क्यों नहीं है? किससे लिए? गंगा कहती है अब आप मेरे नहीं बन सकते। भगवान शंकर कहते हैं गंगा मैं तुझे अर्धांगिनी बनाना भी नहीं चाहता। बहुत सुंदर शब्द है शिव महापुराण का, जो चीज आपको पसंद आती है वो चीज कई बार आपकी नहीं हो पाती है। उसको सुनना इस शिव पुराण के चरित्र से। इस शिव महापुराण के चरित्र से उसको श्रवण करिए। कई बार कोई चीज आपको पसंद आती है कि मुझे ये रूम मिलना चाहिए था, मुझे ये मकान मिलना चाहिए था, मुझे ये गाड़ी मिलना चाहिए थी, मुझे ये सामान मिलना चाहिए था, और वो आपका नहीं हो पाता, तो उसमें समझना कहीं भगवान की कृपा है। नहीं मिला उसमें कृपा है। गंगा कहती है आप मेरे पति नहीं बन पाए इसका मुझे दुख है। शंकर कहते हैं मैं तुझे अर्धांगिनी बनाना नहीं चाहता था। गंगा ने पूछा क्यों? क्यों किस लिए? तो शंकर कहते हैं गंगा तू अगर मेरी धर्म पत्नी बनती तो मेरे वाम अंग के पास में आकर बैठती। पार्वती कहां बैठी है? भगवान के। अगर तू मेरी अर्धांगिनी बनती तो मेरे पास में आकर बैठती, पर मैं तुझे अपने पास में नहीं बिठाना चाहता था क्योंकि तूने मेरा भजन इतना करा है कि मैं तुझे सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं सिर पर बिठाना चाहता। शादी कर कर यदि मैं तुझे सिर पर बिठाता तो लोग कहते बता अपने लुगाई के सिर पे लेके घूम लिया। दुनिया कहती कि नहीं कहती? दुनिया के लोग क्या कहते कि भगवान के सिर पे अपनी धर्म पत्नी बैठी? क्या कह देते? इसलिए मैं तेरे को वाम अंग में नहीं बिठा सकता क्योंकि अगर पास में बिठाता तो भी तुम उससे दूर रहते, तो भी तुम उससे दूर रहते। कई बार पति पत्नी पर क्रोध करता है, कई बार पत्नी पति पर क्रोध करती है। उसका कारण केवल चिड़चिड़ा भाव नहीं है, उसका कारण केवल प्रेम है, केवल प्रेम। कोई वजह तुम रूठे रहो पति क्रोध करता है पत्नी से इसलिए क्योंकि धर्म पत्नी अपने पति को दो चार बार मना लो चाय पी लो लो नाश्ता कर लो। पत्नी कई बार क्रोध करती है जिससे पति उसे प्रेम। शंकर कह रहे हैं अगर मैं तुझसे विवाह करता तो तू मेरे वाम अंग में आकर बैठती, बहुत दूर रहते मेरे पास में आकर बैठती, पर मैं तुझे अपने पास में नहीं बिठाना चाहता। तेरा भजन, तेरा तप, तेरी साधना, तेरी पूजा इतनी प्रबल है गंगा कि मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता हूं। कोई चीज आपको अच्छी लग रही है पर वो भगवान को अच्छी नहीं लग रही क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, वो भगवान को नहीं सुहा। यदि आप भगवान पर विश्वास करते हो कि तेरे भरोसे पर सब छोड़ दिया सब कुछ, अभी वो त्योहार गया कल मकर संक्रांति का, खूब उड़ाई लोगों ने क्या और खूब काटी, पर पहले के जमाने में तो केवल साल भर में एक दिन उड़ाई जाती थी और काटी जाती थी। आज के जमाने में तो दुनिया के लोग रोज की उड़ा रहे, रोज की काट रहे। कभी किसी के बारे में उड़ा दी, कभी किसी के बारे में उड़ा दी, कभी किसी की अच्छी बन रही थी तो उसकी काट दी, किसी के संबंध बन रहे थे तो काट दिया, किसी का व्यापार काट दिया, किसी के घर में कोई वस्तु के भाव में कुछ काट दिया। पहले लोग साल में एक बार उड़ाते थे, मकर संक्रांति पर उड़ाते थे और एक ही दिन काटते थे।
आज के जमाने में तो रोज की मकर संक्रांति है, रोज किसी के छोरा के लिए उड़ा दो, किसी की छोरी के लिए उड़ा दो, किसी की बहू की उड़ा दी, किसी के बेटे की उड़ा दी, किसी के लिए ऐसा कह दिया कि उड़ा ही तो रहे हो और रोज की काट रहे हो। किसी का संबंध हो रहा था, पतंग उड़ रही थी, किसी ने फोन लगा के पूछा कैसी है, और बड़े प्रसन्न हुए साहब, खूब ऊंची उड़ाई, पर वो प्रसन्नता किसी काम की। भगवान से तो केवल इतना कहिए, पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां, ठाकुर मारी पतंग ऊंची राख दे, भोले बाबा अपने चरण कमल मारा। बाबा इतनी कृपा कर, भगवान कह रहे मैं तुझे मस्तक पर बिठाऊंगा गंगा, तो गंगा शंकर से कहती है कि आप मुझे मस्तक पर बिठा रहे हो, भागीरथ जी महाराज मुझे लेकर जा रहे हैं, भागीरथ बाबा मुझे लेकर जा रहे हैं, मैं हजारों लाखों पापियों को तार दूंगी, ना जाने कितनों को पार उतार दूंगा, ना जाने कितने हैं जिसको मैं पार छोड़ दूंगी, गंगा कह रही है। फिर गंगा ने कहा, शंकर आपसे कुछ मांगना चाहती, मांगो। दो वर माता पार्वती ने शंकर से मांगे थे और दो वर माता गंगा ने शंकर से मांगे थे। बहुत ध्यान देना साहब, कांतानाथ जी के चरणों की शिव महापुराण आपके जीवन में ऐसी उतरना चाहिए कि कभी जिंदगी में ना सुने। पार्वती ने शंकर से दो वर मांगे थे, एक पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर मांगा था कि काशी में कोई मरे तो उसको गुरु मंत्र आप दीजिए। तो आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है आज भी। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे कहां जलते हैं? काशी। अपने यहां पर गाड़ियां ओवरटेक करती हैं, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं, लोग मुर्दा लेके भागते हैं नंबर लगाने। और जिस व्यक्ति को बहुत अभिमान हो धन का, काया का, माया का, सत्ता का, गाड़ी और बंगले का, मान और प्रतिष्ठा का, जिसको बहुत अभिमान हो, मेरा निवेदन है उसको 15 मिनट के लिए काशी के मणिकर्णिका पर घाट पर ले जाकर बिठा दो, उसका अभिमान समाप्त तो हो जाए, उसका अभिमान समाप्त। इतने मुर्दों की लाइन लगी रहती है। कौन कौन गया मणिकर्णिका घाट? गयो कभी काशी के मणिकर्णिका घाट? जाओगे तो दोनों तरफ लकड़ियों की दुकान, कंडों की दुकान, सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा, इसकी उसकी दुकान। कई कई लोग तो घाट तक भी नहीं पहुंच पाते, वापिस भग जाते, वापिस वही से थोड़ी दूर जाए। जिसको अभिमान हो, अहंकार हो, धन दौलत सत्ता का, मद का, उसको थोड़ी देर मणिकर्णिका ले जाइए, थोड़ी देर बिठाओ काशी के घाट। तो पार्वती ने दो वर मांगे थे, एक पार्वती जी कहती है जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर माता पार्वती जी मांग रही है, वर दीजिए यदि कोई काशी में मरे तो उसको गुरु मंत्र आप दो। शंकर जी ने मना करा था पर पार्वती जिद करी, शिव जी ने वचन दिया काशी में कोई मरेगा तो गुरु मंत्र मैं दूंगा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो शंकर भगवान कहते हैं तू बता, पार्वती जी कहती हैं सीधे कान में मंत्र देकर कान को मोड़ दे, मुझे मुड़ा हुआ कान दिख जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मंत्र दे दिया। पूरे राष्ट्र के बड़े से बड़े संतों को उठा लो, बड़े से बड़े महंतों को उठा लीजिए जिन्होंने रामानुज संप्रदाय बनाया। रामानुज जी महाराज अपने वेंकट हैं,
कि मुझे त्यागना चाहिए, मैं प्राण कहां त्यागूं? तो कहा काशी जाइए। श्री वल्लभाचार्य जी गोवर्धन नाथ जी से पूछते हैं कि मुझे प्राण कहां त्यागना चाहिए। वल्लभ से मेरे गोवर्धन नाथ जी कहते हैं कि काशी चले जाइए। काशी जाइए, वहां प्राणों को त्याग दीजिए, वहां पहुंचिए। राम स्नेही संप्रदाय हो, रामानुज कोट हो, पुष्टि मार्ग हो, ऐसी कोई संप्रदाय नहीं जिसके महात्मा, जिसके संत, जिसके सन्यासी, जिसके योगी तपस्वी साधक काशी में ना जाना चाहता। अभी मुक्त नगरी है काशी। तो पार्वती ने दो वर मांगे और गंगा भी दो वर मांग रही है। पहला वर दीजिए प्रभु, मेरे गंगा के जल में किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी हड्डियों को, अस्थियों को गंगा में लाकर डाला जाए। जब तक अस्थियां गंगा के जल में पड़ी रहेगी तब तक वो जीवात्मा वैकुंठ का भोग भोगेगी। भगवान शंकर बोले, गंगा मान लो किसी पापी की हड्डियों को, किसी पापी व्यक्ति की अस्थियों को, किसी पाप कर्म करने वाले व्यक्ति की अस्थियों को अगर लाकर गंगा में डाल दिया तो गंगा कहती है भले कितने से भी बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, उसकी अस्थियां भी अगर मेरी गंगा के जल में आए तो उसको वैकुंठ का राज्य उतने दिन तक मिले जितने दिन तक अस्थियां गंगा के जल में, जितने दिन तक अस्थियां गंगा उतने दिन तक मिले। शंकर जी ने कहा तथा, तो इसलिए यहां लोग मरने के बाद हड्डियां कहां ले जाते हैं? अरे बोलो जम के गंगा जी। जीते जी भले नहीं जाए पर मरने पे तो ले जाए। मर मत और इतनी बड़ी रेशम की लाल झोली में हड्डियों को दूध से धो के, इत्र मित्र लगा के, अगरबत्ती दिया दिखा के फिर लेकर जाते। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, लोग मरने के बाद लाल झोली में लेके जाए उससे अच्छा है जीते जी चले जाओ। मरने के बाद की तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम स्वर्ग जाओ कि नरक जाओ, ये तो कोई बस कथा के माध्यम से बता सकते हैं। पर इतना जरूर है कि जीते जी जो एक बार गंगा के घाट पहुंच जाता है, जीते जी जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाता है, मरने पर शंकर खुद उसको लेने के लिए आ जाता है, स्वयं पहुंच, स्वयं। अरे उठाओ ना शास्त्र, किसी के प्राण छूटे तो भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों को भेजा। भगवान विष्णु खुद गए क्या? अरे बोलो जम के पार्षद, जाइए उसको लेकर आइए। कोई ने ब्रह्मा जी का भजन करा तो ब्रह्मा भगवान ने अपने पार्षद भेजे, देवी जी का करा तो उन्होंने अपनी 64 योगिनियों को भेजा। पर शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ जी आपका भजन करने वाला व्यक्ति जब मरता है तो आप खुद नंदी को लेकर उनको लेने चले जाते हो, किसी रुद्रगण को क्यों नहीं भेजते? शंकर भगवान ने बोला, एक बार मैंने एक रुद्रगण को भेजा था, उसकी 12 आंख, 28 जिभ्या, जैसे वो पहुंचा उसके मरने का समय था इतनी बचकर इतने मिनट, उसको देखकर वो पहले ही मर गया। तब से मैंने विचार करा कि मैं अपने गणों को नहीं भेजूंगा, यह काम खुद का है खुद कर। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि
सारे देवी देवताओं के यहाँ खूब नौकर चाकर लगे हैं तो वो आ जाते हैं लेने के लिए। पर शंकर कहते हैं मेरा भगत, मेरा भजन करने वाला, मेरा स्मरण करने वाला, शिव नाम का जाप करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष पहनने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर के मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन करने वाला, शंकर के मंदिर के सामने से मात्र निकल कर जाने वाला, शंकर जी कहते हैं उसको कोई लेने नहीं आता, उसको मैं नंदी पर बिठा कर अपने धाम में लेकर आता, अपने धाम में लेकर। इसलिए कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर जाकर बैठकर तप करने की जरूरत नहीं है। कहां बैठकर? कैलाश। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है कि आप कैलाश के पर्वत पर आकर तप मत करो। जरूरी नहीं है कि आप कैलाश पर आओ। शंकर की कथा कहती है मन को कैलाश जैसा ऊंचा बना लो, इतना ठंडा बना लो, उसमें जब ठंडा महसूस करोगे, भीतर से कूल कूल महसूस करोगे, तो भगवान खुद आपके पास आकर विराजमान हो जाए। भीतर तो अब मालूम पड़े, भीतर तो तपन इतनी हो रही है, दूसरे को देख देख के चले जा रहे हैं, जेठानी के लड़के ने ऐसा कर, देवरानी का लड़का पास हो गया, उसके बेटे ने डॉक्टरी कर ली, उसके बेटे ने इंजीनियर कर ली, उसके बेटे ने ये कर लिया, उनने गाड़ी कर ली, बंगला कर लिया, अब भीतर से तो जल रहे, ऊपर से माला लेके बैठे चार घंटे से। भगवान जी बोले बताओ ये कहां खोल खोल के दे, तो क्या मतलब के मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। पर दुनिया के लोग आज के जमाने में राम राम जपना, मुख में राम, भगवत भजन। इसलिए महाराज भगवान शिव से विनती कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कावड़िया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कावड़िया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन भोलेनाथ कावड़िया मेरे, मेरा कोई न सहारा दोनों हाथों से तेरे, भोलेनाथ कावड़िया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कावड़िया मेरे, मेरा कोई न कावड़िया में हो। रहो तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा, काटो जन्म मरण के फेरे, भोलेनाथ कावड़िया मेरे, काटो जन्म मरण के
नाथ कावड़िया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कावड़िया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कावड़िया मेरे।